देखो काइंड्स ऑफ कंडीशंस एंड वारंटीज में इम्प्लाइड कंडीशंस में देखो इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज में पहला कंडीशन एज टू टाइटल. देखो इम्प्लाइड मीन्स वॉट, कुछ ऐसी सिचुएशन का आना जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं. देखो एक्सप्रेस कंडीशंस में क्या होगा, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम जो भी कर रहे हैं तो हम ये सारी कंडीशन को ना एक्सप्रेसली ओरली या रिटर्न हम बताएंगे, लेकिन इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज क्या होती है ये बताई नहीं जाती है, ये एज्यूम की जाएंगी. इम्प्लाइड आया इसका मतलब क्या कि ये जो इम्प्लाइड देखो हाईलाइट कर रही हूँ मैं इम्प्लाइड को, ये देखो रेड स्पॉट से, इट मीन्स व्हाट. इम्प्लाइड का मतलब क्या होगा कि ऐसी कंडीशंस जो एक्सप्रेस नहीं है लेकिन फिर भी उसको एज्यूम कर रहे हैं कि वो हमको उसके साथ मिलेंगी. तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं तो इम्प्लाइड कंडीशंस मतलब टाइटल ऑब्वियस है ना, जब हम परचेज कर रहे हैं सेलर जब उसको बेचेगा किसको, बायर को, तो क्या उसको ये इसमें लिखना पड़ेगा कि टाइटल तुम्हारा है? नहीं, ऑब्वियस है जब हमने उससे परचेज किया है तो वो जो टाइटल है उस चीज का वो हमारा होगा कि वो किसी और का होगा, बताओ. बताओ लॉजिक लगाओ बेटा, क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है? अदिति, प्रांजलि, प्रशांत, समझ नहीं आ रहा है क्या? मैम वो हमारा होगा। समझ में आ रहा है? तो सेम वो चीज जो सेलर है जो वो बेच रहा है तो वो उस समय उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसके पास राइट है कि वो उसको सेल करेगा. बेटा हाँ या ना में जवाब दोगे तो ही मैं आगे पढ़ा पाऊंगी उसको, है ना. तो टाइटल किसका है सबसे फर्स्ट राइट इसमें, टाइटल का किसका होगा, सेलर का होगा, सैलर का क्योंकि इन केस ऑफ सेल लिख रही हूं मैं इसमें, ही हैज द राइट टू सेल द गुड्स, क्योंकि गुड्स उसका है तो उसके पास राइट है उसको बेचने का, ही हैज द राइट टू सेल द गुड्स. नेक्स्ट इसमें क्या होगा, इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, अगर एग्रीमेंट करता है वो सपोज, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव अ राइट, तो आगे चल के वो उसको सेल कर पाएगा. एग्रीमेंट टू सेल मैंने बताया था आप लोगों को, अच्छा खासा एक डिफरेंस बताया था. दूसरी चीज, जब वो उसको सेल करेगा और मान लो वो गुड्स अगर डिफेक्टिव निकलता है तो बायर के पास अब राइट्स हो जाएंगे कि वो गुड्स को क्या कर सके, रिजेक्ट कर सके, और दूसरा उसके लिए वो क्लेम मांग सके, कि ऐसा होगा कि नहीं होगा. यस मैम तो इफ द गुड्स होगा। टर्न्ड आउट टू बी डिफेक्टिव, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है आपको इसमें. इफ द गुड्स टर्न्ड आउट टू बी डिफेक्टिव तो क्या हो जाएगा उसमें, द बायर इज एंटाइटल्ड. अब देखो एंटाइटल्ड वर्ड यूज हुआ, ये याद रखना, अब बायर के पास एंटाइटल्ड है क्योंकि अब गुड्स बिक चुके हैं, तो पहले जब बेच रहा था तब वो सेलर के पास टाइटल था. देखो कंडीशन टू टाइटल, तो अब बायर के पास एंटाइटल आ गया है टू रिजेक्ट द गुड्स. अब बायर के पास राइट है कि वो गुड्स को क्या कर सकेगा, रिजेक्ट करेगा, और प्लस क्या कर सकेगा, अगर उसका मन है तो वो डैमेजेस के लिए क्या करेगा, क्लेम करेगा, एंड क्लेम द डैमेजेस. तो ये इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी का पहला पॉइंट, कंडीशन टू टाइटल. तो ये ऑलरेडी हम एज्यूम करते हैं ना कि जब हम वो परचेज कर रहे हैं तो अब वो हमारा है, तो टाइटल हमारा है, सब बस बात खत्म. आगे देखो, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन की मीनिंग क्या होती है, सेल ऑफ गुड्स एक में नहीं पूछ रही हूँ, सिंपल डिस्क्रिप्शन क्या होता है,
मैम किसी चीज के बारे में उसका पूरा डिटेल्स या उसके बारे में बताना। तो ऑब्वियस है ना, अगर हम सपोज सामने वाले के पास जाते हैं कुछ परचेज करने, जैसे अगर आप लोग आज की डेट में अगर सपोज आप लोग स्मार्ट टीवी लेने जाते हैं, तो आपने डिस्क्राइब किया ना मुझे स्मार्ट टीवी चाहिए, ठीक है, वो उसका क्या है डिस्क्रिप्शन है, तो आप अब वो आपको जो भी दुनिया भर की आपको टीवी वो दिखाएगा है ना, तो वो कैसी दिखाएगा, स्मार्ट वाली दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो आप लोग उसको बार बार बोलोगे क्या हर एक टीवी देखने से पहले ये स्मार्ट है, ये स्मार्ट होनी चाहिए, ये स्मार्ट टीवी होनी चाहिए, होगा क्या? आप उसको सिर्फ एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन में देखो डिस्क्रिप्शन किस टाइप का होगा, डिस्क्रिप्शन वो आपको फैक्ट बताएगा उसके रिगार्डिंग कि इसमें ये क्वालिटीज हैं, इसमें ये क्वालिटीज नहीं है, तो हमको फैक्ट बताया जाता है कि नहीं एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। दूसरा उसमें क्या बताया जाता है, अगर कोई दूसरे प्रोड्यूसर का या उसका जो प्राइस वगैरह रिगार्डिंग है वो भी बताया जाता है। दूसरा हमको एक पर्टिकुलर ब्रांड्स के भी दिखाए जाते हैं कि ये इस ब्रांड का है, ये इस ब्रांड का है, इसमें आपको इतनी क्या ये फीचर्स मिलेंगे, और अगर आप दूसरे ब्रांड्स में जाएंगे तो आपको ये फीचर्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको उसको बोलनी पड़ती हैं क्या, वो हमको खुद ही बताते हैं। फिर जो उसमें पैकिंग वगैरह रहती है, मतलब जो स्पेशलिटी रहती है, जो वो दो चीज़ों को कंपेयर करके हमको बताते हैं पैकिंग वगैरह, तो ये सब चीज़ें, तो डिस्क्रिप्शन वाली जो भी पॉइंट्स होंगे पैकिंग वगैरह या ब्रांड से रिगार्डिंग, तो ये सब चीज़ें हमको एग्रीमेंट में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब के सब इम्प्लाइड कंडीशंस हैं, ये चीज़ें ऑब्वियस रहेंगी कि जब भी हम फॉर द सेल, जब सामने वाला सेल करेगा तो ये सारी कंडीशंस को उसको ध्यान में रखना है। इम्प्लाइड कंडीशंस फिर से रिपीट कर रही हूँ, इट मीन्स कि इम्प्लाइड मीन्स ये अगर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आ रहे हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होनी है। इन सारी चीज़ों को एग्रीमेंट में एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये हमको बाय डिफॉल्ट मिलेंगी ही मिलेंगी। आ रहा है समझ में? यस मैम। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, सेल बाय डिस्क्रिप्शन के बाद सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अब सैंपल के थ्रू भी करते हैं ना वो लोग, सपोज अगर हम कुछ खाने पीने की चीजें लेने जाती हैं तो हम बस सैंपल टेस्ट करके देखते हैं कि नहीं, या फिर अगर कोई मशीन वगैरह है तो हम उसको वहां पे यूज करके देखते हैं कि नहीं। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, तो ये सारी चीजें भी रहेंगी। सैंपल में देखो सैंपल क्वालिटी दिखाते हैं, प्लस हमको दोनों में, अगर हम मशीन्स को ले रहे हैं परचेज कर रहे हैं तो वो हमको क्या करते हैं, बोलते हैं आप यूज करके देखो, तो हमको जो चीज उस यूज करने से ज्यादा समझ में आता है तो हम उससे भी चीजों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ऑब्वियस है, सामने वाला हमको अच्छी क्वालिटी की चीजें ही दिखाएगा, हम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हम अच्छा ही लेने देंगे, हम उसको बोलेंगे क्या कि खराब क्वालिटी वाला दिखाओ, उसका फिटनेस नहीं होना चाहिए, हम उसको बोलते हैं हमको इस चीज़ के अकॉर्डिंग चाहिए। तो हम वो लोग हमको लो क्वालिटी में भी दिखाते हैं, हाई क्वालिटी में भी दिखाते हैं, ठीक है, तो वो हमको ऑटोमेटिकली ही दिखाते हैं, उसके लिए हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट देखो इसमें, कंडीशन एस टू मर्चेंट एबिलिटी। मर्चेंट एबिलिटी क्या होता है, कभी वर्ड सुना है बट आप लोगों ने? कंडीशंस मर्चेंट एबिलिटी क्या होता है, हाँ मर्चेंट एबिलिटी, मर्चेंट क्या होते हैं बेटा बताओ, मर्चेंट क्या होता है? व्यापारी। व्यापारी, तो गुड्स अगर मर्चेंटेबिलिटी में है तो इट मींस व्हाट, ये गुड मस्ट बी सेलेबल होने चाहिए, है ना, कि
जरूरी है क्या कि जो क्या बोलते हैं जो बायर गुड्स खरीद रहा है सेलर से वो उसको रीसेल नहीं करेगा? कर सकता है ना, अपने वो कुछ भी यूज कर सकता है। तो गुड्स कैसे होनी चाहिए? मार्केट में बिकने लायक होनी चाहिए, मस्ट बी सेलेबल इन द मार्केट। क्या वो हमको यूज किया हुआ प्रोडक्ट सेल कर सकता है क्या? नहीं। पैकिंग के साथ हम उसको अच्छे से लेते हैं, ऑब्वियस है कि अगर उसकी बायर की खुद की कोई शॉप हो और अगर उसको रीसेल करना हो तो वो उसको करेगा कि नहीं करेगा? कि वो यूज किया हुआ गुड्स अपने शॉप में रखेगा और लोग उससे लेके जाएंगे, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो गुड्स कौन सी क्वालिटी के होने चाहिए? सेलेबल क्वालिटी के होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, सेल बाय सैंपल। ये तो एक्चुअली ये पॉइंट पहले ऐड करना चाहिए था, बुक में गलती से बाद में ऐड किया है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन के बाद होना चाहिए था थर्ड सेल बाय सैंपल, और फोर्थ बनना चाहिए था सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, दोनों का मर्जर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट पॉइंट सेवेंथ, कंडीशन इम्प्लाइड बाय यूसेज कंडीशन इम्प्लाइड बाय यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। देखो इसमें जो फोर्थ वाला पॉइंट लिखा है, क्वालिटी और फिटनेस, ठीक है, तो ये जो क्वालिटी और फिटनेस है इसको भी हम बोल सकते हैं कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड। कस्टम ऑफ ट्रेड और यूसेज ऑफ ट्रेड क्या होता है बताओ? यूज, यूसेज का मीनिंग क्या होगा? अब इम्प्लाइड वारंटीज देखो, फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें इम्प्लाइड वारंटी एस टू टू क्वाइट और अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, और अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। देखो जब सामने वाला उस गुड्स को खरीद रहा है जो बायर है, तो वो एज्यूम करता है कि अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन रहेगा मेरे पास, ठीक है, मतलब कोई उसको उसका जो राइट है, जो पोजीशन है उसका, जो टाइटल है वो, उसका जो राइट्स है वो उसके पास ही रहेगा, वो किसी सेलर के थ्रू वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर सेलर के थ्रू उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है तो जो बायर है वो क्या कर सकता है? उसके ऊपर, सेलर के ऊपर केस कर सकता है। तो जो उसमें ब्रीच ऑफ वारंटी है वो कैसे अराइज होगी? सपोज उसने टाइटल नहीं दिया है गुड्स उसका, दूसरा फिर अगर उसने उसको डिफेक्टिव गुड्स दे दिया है, या दूसरा चीज वो गुड्स ऐसा है कि वो सेलेबल नहीं है मार्केट में, मतलब रीसेल नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा गुड्स उसको दे दिया है, तो ऐसी चीज इसको बोलते हैं अनडिस्टर्ब, मतलब डिस्टर्ब हो रहा है उसको, तो डिस्टर्ब का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनडिस्टर्ब। तो उसको गुड्स एकदम अच्छे से और सही ढंग से दे कि सामने वाला उससे डिस्टर्ब नहीं हो, तो वारंटी उसकी क्या है? कि वो अनडिस्टर्ब्ड होगा। नेक्स्ट देखो, इम्प्लाइड वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्ब्रेंस। यहाँ पे इनकम्ब्रेंस का मतलब है बर्डन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेलर ने उसको कोई ऐसे गुड्स पे सेल कर दिए जिसका पेमेंट उसने खुद नहीं किया है मार्केट में, और कोई थर्ड पार्टी आके अब इसको डिस्टर्ब कर रही है बायर को कि वो गुड्स मेरा है। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? इम्प्लाइड वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बर्डन, बर्डन मीन्स इनकम्ब्रेंस, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए वो गुड्स किसी थर्ड पार्टी का है और सेलर ने बायर को सेल कर दिया, या ये भी हो सकता है कि उसने यही गुड्स पहले किसी और को बेचा, अब फिर से इसको बेच रहा है। नेक्स्ट देखो,
इम्प्लाइड वारंटी एनेक्स्ड बाय कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड. ये पॉइंट आप लोग मेरे को बताएंगे लास्ट क्लास में. Employed warranty as to disclose of dangerous nature of goods. ठीक है, तो ये भी उसकी वारंटी रहेगी कि अगर कोई गुड्स डेंजरस क्वालिटी के हैं तो वो भी उनको उससे उनको वारंटी दी जाएगी. बस इतना ही था इसमें. कैवियट एम्प्टर का मतलब सुना है कभी? कैवियट एम्प्टर कोई वर्ड सुना है आप लोगों ने? मैम जिस गुड का कोई ओनर नहीं होता उसको कैवियट एम्प्टर बोलते हैं. गुड्स का ओनर नहीं होना, गूगल करो तो. जिस गुड का ओनर नहीं होता, जैसे हम रोड पे जा रहे हैं और हमें कोई चीज मिल गई तो वो कैवियट एम्प्टर है. गूगल करो, गूगल करो सब जल्दी से. कैवियट एम्प्टर मीन्स द प्रिंसिपल दैट द बायर इज अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी and suitability of goods before a purchase is made. अब मुझे ना कोई इसकी मीनिंग एक्सप्लेन करेगा ना हिंदी में, बताओ. क्या इसका मींस, मतलब क्या? मतलब वो जो बायर है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है जो चीज ले रहा है उसके लिए. उसके लिए लेट द बायर बीवेयर. ठीक है, तो इसमें ना एक शॉर्ट नोट्स बनता है आपके एग्जाम पे. पूछेगा एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ कैवियट एम्प्टर. तो कैवियट एम्प्टर की मीनिंग समझ में आई कि इसका मतलब क्या होता है? जो बायर है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, कॉशन बायर है ना, ये सेलर की ड्यूटी नहीं है कि वो डिफेक्ट को फाइंड आउट करे. ये हमारी बायर की ड्यूटी होती है कि वो इंस्पेक्ट करे. ठीक है, अपने गुड्स को ध्यान से उसको खरीदे. ठीक है, सेलर देखो ऑब्लिगेशन में होता है कि वो उसको बताएगा कि ये खराबी है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि आप देख लो, सोच लो, समझ लो और अपने रिस्क पे ले लो. अगर आप बाद में कोई इसको डिफेक्ट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी. ऐसा होता है ना सम सिचुएशंस में. आ रहा है समझ में? सपोज जब आप लोग कार वगैरह खरीद रहे हैं या एक्टिवा वगैरह, तो आपको वहां टेस्ट ड्राइव दी जाती है ना. कोई देखो ग्रोसरी स्टोर नहीं है कि उसका सामान लेके आया, डिफेक्ट निकला तो वो वापस हो रहा है. अगर आप कार वगैरह परचेज कर रहे हैं या एक्टिवा वगैरह या स्कूटर्स वगैरह, तो वो रिटर्न होगा क्या? नहीं होता है ना. वो तो हम वहाँ पे टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं, हमको अच्छा लगता है तो ही हम लेते हैं. सपोज अगर अब हम हॉर्स वगैरह भी लेते हैं, लाइव स्टॉक वगैरह, तो आपको सोच समझ के लेना है. तो ऐसी सिचुएशन पे सेलर अगर ने सेल कर दिया, इट मीन्स बात खत्म. तो कुछ कुछ सिचुएशन पे लेट द बायर बीवेयर चलता है. आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. अब देखो, अब इसमें ना कुछ एक्सेप्शन आएंगे. एक्सेप्शन का मतलब समझ रहे हो? एक्सेप्शन मींस व्हाट? कुछ चीजों को छोड़ के. हाँ, कुछ चीजों को छोड़ के, मतलब अब सिचुएशन उल्टी हो गई. अब कौन सी सिचुएशन है जिसमें ये वाला डॉक्ट्राइन काम नहीं करेगा? एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कैवियट एम्प्टर. ठीक है, तो इन सिचुएशन पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी. अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सेलर की.
कुछ सिचुएशंस में, अब वो सिचुएशंस अपन डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कैवियट एम्प्टर। पहला, रिलायंस ऑन, जब हम टोटली रिलायबल हैं, किसी के ऊपर डिपेंड है, रिलायंस ऑन सेलर स्किल्स एंड जजमेंट। रिलायंस ऑन सेलर स्किल्स एंड जजमेंट। जब बायर एक्सप्रेस करता है पूरा अपना ट्रस्ट कॉन्फिडेंस किसके ऊपर, डीलर की स्किल्स और जजमेंट पे, और उसको वो एक्सप्लेन भी कर रहा है पर्पस कि उसको क्यों चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन पे जो क्वालिटी हमको चाहिए रहती है, ठीक है, जो गुड्स हमको मिलते हैं वो उस पर्पस के अकॉर्डिंग मिलते हैं, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, सेलर की। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखो, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ये हमने डिस्कस किया था। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन में हमको वो लोग फैक्ट्स बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, ठीक है। तो जब हम गुड्स को परचेज करते हैं ना इन डिस्क्रिप्शन में, तब हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है उसको एग्जामिन करने की। ऐसी कंडीशन पे हम क्या मानते हैं कि वो मर्चेंटेबल गुड्स हैं, ठीक है। जो गुड्स हमको उसने वही दिए हैं कि हम वो दूसरे पर्सन को सेल कर सकते हैं, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। याद रखना, जब अगर आप लोग टीवी या फ्रिज वगैरह परचेज करते हैं, अगर वो नहीं चलती है तो नेक्स्ट डे वो एक्सचेंज हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? तो ऐसे गुड्स जो बाय डिस्क्रिप्शन पे परचेज किए जाते हैं, तो ऐसे गुड्स पे भी कैविएट एम्प्टर नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि वो खुद सेलर डिस्क्राइब करता है चीजों को, तो उसके ही डिस्क्रिप्शन पे कोई मिस्टेक आई होगी। फिर नेक्स्ट देखो, मिसरिप्रेजेंटेशन या कोई फ्रॉड हो रहा है तो मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बाय सेलर। अगर वो मिस रिप्रेजेंट या फ्रॉड कर रहे हैं तो, और दुनिया भर की जो भी हमने अभी इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज डिस्कस की, वो सब की सब इसमें आ जाएंगी, ठीक। तो आप लोग एग्जाम में ना ये इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज पूरा मत एक्सप्लेन करना, सिर्फ उसके नाम करके 3-4 लाइन में ऐड कर देना कि ये इम्प्लाइड कंडीशन है, ये वारंटी है, और इन कंडीशंस पे रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। बस इतना ही लिखेंगे आप लोग, और कुछ मैम, बोलो। मैम एग्जाम में कितना आंसर, मतलब कितने पेज का आंसर लिखना सफिशिएंट रहेगा? बताओ बेटा, प्रांजलि बताओ कितना पेज सफिशिएंट रहेगा? 8 to 10 pages, या आप उससे ज्यादा लिख सकते हो। 8 to 10 pages, उससे ज्यादा का टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो 8 to 10 pages, ठीक है, याद रखना। और वो भी तभी लिख पाओगे जब आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे आपको। इसलिए इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग ना मगअप करो, चीज़ों को रिवाइज करो, लास्ट क्लास की चीज़ों को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।